दोस्तों आज है युवा दिवस और आज मैं आपसे कुछ बातें कहने आया हूं। बहुत छोटे वक्त में मैं आपसे बहुत बड़ी बातें कहूंगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे आज 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और कहने के लिए तो ये युवा दिवस है, लेकिन इसको स्वामी विवेकानंद से कैसे लिंक कर दिया गया, इस पर थोड़ी सी बात मैं आपसे बताऊंगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी इतने पहले समय से ही हम सभी के प्रेरणा रहे हैं, उनसे उनकी बातें हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को भी हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्वामी विवेकानंद की कही हुई दो तीन बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप खुद जानते होंगे। एक पहली बात उन्होंने कहा था कि खुद पर यकीन करो तभी दुनिया आप पर यकीन करेगी। यानी कि सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। जब आप खुद में ही सेल्फ डाउट में रहोगे तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद अपने आप से बात करना शुरू कर दिए। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं। खुद से बात करिए, फिर दूसरों से बात करिए। कोई डिसीजन लेना है, सबसे पहले खुद से बात करिए। तो ये दो बातों को मैं उनके बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। पर्सनली मैं इन चीजों को बहुत फॉलो करता हूं। स्वामी विवेकानंद की कही हुई बातें तो अपनी जगह है, उनको युवा सोच मानना अपनी जगह है। देखिए, उनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि युवा का जो मतलब है, इसका डेफिनेशन जो है वो सोच से है और एक्शन से है। या तो कोई अपने सोच से युवा है या तो कोई अपने एक्शन से युवा है। ये है स्वामी विवेकानंद। आसपास भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेट होते नजर आते हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं। कोई अपने सोच से युवा है, कोई अपने एक्शन से युवा है। मेरे भी एक फेवरेट एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, आज हमारे बीच में नहीं है। फेवरेट कैसे कोई बन जाता है, अपने कार्य से, अपनी सोच से। प्रणब मुखर्जी द्वारा ऐसे बहुत उनके कार्यकाल में मैंने देखा है कि उनके कार्यकाल में किए हुए ऐसे बहुत सारे ऐसे कदम थे जिनको आज भी लोग सोचते रह जाते हैं। 1993 के बम ब्लास्ट में याकूब मेमन, इतने सालों से फांसी रुकी थी, प्रणब मुखर्जी ने दे दी, नहीं, कोई दया याचिका नहीं हुई। अजमल कसाब इतने दिनों से सरकार इनकी सेवा कर रही थी, प्रणब मुखर्जी ने उसको फांसी दे दी, कोई दया याचिका नहीं दी। अफजल गुरु को भी फांसी उन्होंने दे दी, कोई दया याचिका नहीं दी। ऐसे तमाम तरह के ऐसे फांसी उन्होंने दी, कोई दया याचिका नहीं दी। ये क्रांतिकारी कदम था। प्रणब मुखर्जी की उम्र युवा नहीं थी, उनकी सोच युवा थी, उनके एक्शन युवा थे। मेरा कहने का मतलब है साथियों, हमें पता होना चाहिए, हमें अपने अंदर के युवा को जिंदा रखने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने युवा सोच को संरक्षित रखना है, किन लोगों किस से हमें क्या लेना है, यह हमें पता होना चाहिए। किससे क्या लेना है, किससे कौन सी बातें किनकी चुरा के अपने जिंदगी में डाल लेनी है, यह बात हमको पता होना चाहिए। देखिए, युवा वो है जो ऊर्जावान है, युवा वो है जो अपने कार्य को लेकर निष्ठावान है। याद रखिएगा, युवा कभी निराशावादी नहीं हो सकता, युवा आशावादी है। और युवा किसी भी नए चैलेंज को लेकर युवा हमेशा निडर होता है। इसी बातों के साथ स्वामी विवेकानंद को मैं नमन करता हूं उनकी जयंती पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।